रामपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज नवीन मंडी में मतगणना होनी है। बात करें रामपुर नगर पालिका की, रामपुर नगर पालिका और सुहार विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना रामपुर नवीन मंडी स्थल के अंदर होगी। उसके अलावा और जो भी नगर पंचायत और नगर पालिका हैं उसकी मतगणना वहीं पर ही की जाएगी। बहरहाल रामपुर नवीन मंडी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा की निगरानी में मतगणना होगी। पैरामिलिट्री फोर्स BSF और स्थानीय पुलिस की निगरानी में होगी। मुख्य द्वार से जो मतगणना कर्मी मीडिया कर्मी अंदर आ रहे हैं उन सब की पुलिस चेकिंग कर उन्हें अंदर भेज रही है। उसके अलावा नवीन मंडी स्थल के अंदर जहां मतगणना होगी वहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। किसी तरह की विजय जुलूस ना निकले इसके लिए भी प्रशासन की सख्त मनाही है और इसी को लेकर सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम जिला प्रशासन ने किए हैं। और क्या कुछ बता रहे हैं एडिशनल SP डॉक्टर संसार सिंह, आपको सुनाते हैं। गणना को लेकर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था हुआ करती हमेशा मतगणना और मतदान के लिए, तो यहाँ पर भी 3 लेयर है। 6 जगह पूरी जिले में मतगणना हो रही है, जिसमें यहाँ मंडी समिति में विधानसभा स्वार की मतगणना है। विधानसभा स्वार के लिए 3 कंपनी पैरामिलिट्री मिली हुई है, उसे भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है। PAC को भी डिप्लॉय किया गया है। बाकी जगह PAC है, डेढ़ सेक्शन, जो 5 अन्य सेक्शन वो हैं, सेंटर्स हैं और सिविल पुलिस रहेगी। पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये सब शांतिपूर्ण चुनाव होगा और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे जो विजयी प्रत्याशी हैं वो धैर्य का परिचय दें और किसी भी तरह का विजय जुलूस वगैरह ना निकालें और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उसे चिढ़ाएं नहीं। और अगर कोई हार जाता है तो उसके लिए सांत्वना हम देंगे।